सो हे गाइस, वेलकम टू एमकेजी, एक है मोबाइल गेमर। तो यार मैं हमेशा की तरह यार माइनक्राफ्ट की मॉड्स वाली वेबसाइट पे ढूंढ रहा था कि यार मेरे को नेक्स्ट कौन से मॉड पे गेम प्ले बनाना चाहिए। और हाँ यार, इससे मेरे को याद आया कि आप ऐसे काफी लोग मुझसे पूछते हो कि यार मैं माइनक्राफ्ट के जो मॉड्स यार एडऑन्स है लाता कहाँ से हूँ। तो यार ये सारे एडऑन्स और मॉड्स आपको मिलेंगे mcpl.com वेबसाइट से। जी हाँ गाइस, mcpl.com वेबसाइट से। तो भाई जिन भी लोगों को डाउट था कि मैं सारे के सारे मॉड ढूंढता कहाँ से हूँ, तो भाई यही वो वेबसाइट है जहाँ से मेरे को सारे के सारे मॉड्स मिलते हैं। अगर तो बैक टू द टॉपिक, तो जैसे मैं उस वेबसाइट पर स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे को एक अचानक से ऐसा मॉड दिखा जिसको देख के पहले मैं हैरान हो गया कि सही में यार पॉकेट एडिशन के लिए बना है, क्योंकि यार उसकी जो स्क्रीनशॉट्स थे इतने ज्यादा रियलिस्टिक लग रहे थे। मेरे को लग रहा था ऐसे जावा एडिशन का मॉड होगा, पर मैंने उसको देखा बाद में तो यार पॉकेट एडिशन का मॉड था वो। और भाई सही में यार मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और मैंने उसको तभी यहाँ से डाउनलोड कर लिया। और भाई आज हम उसी का गेम प्ले करने वाले हैं। सर मैं आपको बता दूं यार, ये मॉड बनाया गया है आई मास्टर प्रो एक्स की तरफ से, तो सारे का सारा जो क्रेडिट है वो इसी इनको जाता है। सर क्या आप लोग वो मॉड देखना चाहते हो? हाँ यार, मेरे को पता है कि आप में से काफी लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, पर फिर भी यार फेक एक्साइटमेंट के लिए क्या आप वो मॉड देखना चाहते हो? अबे साले। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पीछे ये है वो मॉड। और भाई ये मॉड मेरे को इतना ज्यादा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि यार ये दिखने में इतना ज्यादा रियलिस्टिक है और मतलब इसके जो फंक्शन है वो भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। और वो क्या क्या है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यार चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर पार्किंग लॉट में। ये भी मैंने एक मैप डाउनलोड किया जो कि मेरे को अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो कार इनको रख दिया। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो कार रखी है वो पार्किंग लॉट में रखी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमें कितनी सारी कार्स और बाइक्स देखने को मिल जाती है। मैं आपको यहाँ पर उड़ के दिखाता हूँ। तो भाई मेरे को ये देख के हैरानी इसलिए हुई क्योंकि भाई सेम टू सेम ऐसी बाइक ना जावा एडिशन के मेरे को वही व्हीकल मॉड में देखने को मिली थी। तो भाई मैं सोच रहा था कि जावा एडिशन का मॉड तो नहीं है, फिर मेरे को बाद में पता चला कि भाई पॉकेट एडिशन का मॉड है। इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर हमें बाद में एक और बाइक देखने को मिल जाती है और यहाँ पर एक और बाइक देखने को मिल जाती है। मतलब टोटल तीन बाइक हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और आगे जाके हमें सारी की सारी जो मॉडर्न या फिर लग्जरी कार्स होती है आप कह सकते हो वो देखने को मिल जाती है, जो कि टोटल यहाँ पर सिक्स कार्स हमें देखने को मिल जाती है। और भाई इनका जो स्टार्ट करने का तरीका है ना बहुत ज्यादा मस्त है, मतलब काफी सारे इन्होंने रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है। जैसा आपको पता ही होगा जितने भी मैंने पहले मॉड्स बताए हैं उसमें तो क्या था, हम सीधा बस कार में बैठते थे और भाई सीधा हमारी जो कार थी वो चल जाती थी, पर भाई इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमें और भी काफी सारी चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, ओके यार, तो मैं आपको बता दूं ये जो कार जब यहाँ पर खड़ी है हम इनको नहीं चलाएंगे। अरे भाई चिंता मत करो, मेरे पास यहाँ पर इन्वेंटरी में कार्स पहले से रखी है। जी हाँ गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास ये पहले से रखी है यहाँ पर कार्स। ये वाली जो कार्स मैंने यहाँ पर पार्किंग लॉट में रखी थी, बस मैंने ऐसे शो के लिए रखी थी, मतलब आपको दिखाने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे को यहाँ पर कितनी सारी कार्स देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं चलाता हूँ ये वाली कार जो कि भाई दिखने में काफी ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर मैं इसको स्पॉन करता हूँ और भाई यहाँ पर देख सकते हो मेरे को सबसे अच्छी बात इसकी यही लगी कि इसका स्पॉन का जो साउंड इफेक्ट और जिसका जो एनिमेशन है ना कितना ज्यादा अच्छा है। तो भाई प्लीज यार जाके आप इसको जरूर से डाउनलोड करके देखना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारी कार है वो स्पॉन तो हो चुकी है, पर अगर हम इस पे अभी राइड करेंगे ना तो आप देख सकते हो ये कार आगे बढ़ेगी नहीं। वो क्यों? क्योंकि भाई इसमें अभी फ्यूल भी तो डालना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, इसमें हमें फ्यूल भी डालना पड़ेगा। तो भाई इसलिए मेरे को मॉड काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि यार इसमें हमें बिल्कुल रियलिस्टिक चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो वो करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हो मेरी इन्वेंटरी में यहाँ पर चार चीजें हैं, तो इनको मैं जल्दी से यहाँ पर रख लेता हूँ। तो आप देख सकते हो सबसे पहली जो चीज आ जाती है उसका नाम है स्पॉन मी ऑन द कार। तो जैसे आप यहाँ पर इसको यहाँ पर रखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली घूमने लग जाएगा और भाई देख सकते हो एनिमेशन कितना अच्छा है। और यहाँ पर इसने दिखाया कि हमें ये चाहिए होंगे, तो यहाँ पर हमें तीन चीजें चाहिए होंगी इस कार को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहली जो है सैडल जो एक की के टेक्सचर में है, दूसरा हमें चाहिए होगा कोल जो कि फ्यूल की तरह काम करेगा, और तीसरी हमें चाहिए होगी यहाँ पर चेस्ट जो कि मतलब एक बॉक्स की तरह इसमें काम करेगी। तो जल्दी से जो तीनों चीजें भाई इनको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो मैंने तीनों चीजें जो है वो कार में लगा दी है, मतलब जो सैडल है वो यहाँ पर लगा दी है और जो कोल है इसका इससे इसका जो फ्यूल है वो बढ़ दिया है। तो एक बार मैं यहाँ पर फिर से भर देता हूँ सिर्फ बस आपको दिखाने के लिए कैसे भरते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे आप इस पर पॉइंट करोगे यहाँ पर फिल ऑयल का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो ऑयल है भर चुका है और बॉक्स तो मैंने इसके ऊपर पहले से लगा दिया। ठीक है, तो बस भाई अब बारी आ चुकी है इस कार को राइड करने के, तो चलो भाई जल्दी से इस कार को राइड करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर राइड का ऑप्शन आ चुका है और भाई आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपके पीछे यहाँ पर लिखा भी आ चुका है कि अभी तक 0 किलोमीटर की इसकी स्पीड है और यहाँ पर गैस है इसमें 200 लीटर, जो कि भाई मेरे को काफी अच्छी बात लग रही है कि इसमें यार इतने सारे आपको फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। अब यार आप देख सकते हो ऐसे तो मजा आएगा नहीं, तो जल्दी से मैं आपको इसमें थर्ड पर्सन में लेके चलता हूँ। ओके यार, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर थर्ड पर्सन मोड में और भाई ये कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। तो चलो जल्दी से इसको चलाते हैं और भाई इसकी जो स्पीड है यार मतलब इसकी जो आवाज है कितनी ज्यादा मस्त है और देख सकते हो चल भी कितनी ज्यादा तेज रही है। और यहाँ पर देख सकते हो हम इसको 178 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हो। तो मैं इसको जल्दी से और आगे लेके चलता हूँ और भाई देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको पूरे पार्किंग लॉट में इसको घुमा रहा हूँ। तो भाई इसको यहाँ पर पार्किंग लॉट में घुमाने का इतना मजा नहीं आ रहा क्योंकि भाई ये तो पूरी की पूरी खुली जगह है। इसको जल्दी से अपने जो रेस ट्रैक है ना यहाँ पर जो मैप में रेस ट्रैक बनाया है इसको जल्दी से वहां पर घुमाते हैं। ओके यार, तो ये वाला जो मैप है यार इसमें आपको रेस ट्रैक भी देखने को मिल जाता है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको जो रेस ट्रैक है वो देखने को मिल जाता है। तो जल्दी से मैं अपने जो बाकी कार्स हैं ना इनको यहाँ पर स्पॉन करता हूँ। तो यार अब मैं सोच रहा हूँ यार वो वाली कार स्पॉन करूँ जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आ रही थी, जो कि है
ये वाली। जी हाँ गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो जो इसका नाम है लैंड रोवर। तो जल्दी से मैं इसको यहाँ पर स्पॉन करता हूँ, और भाई इसका स्पॉनिंग का जो मतलब एनिमेशन है वही यार कितना ज़्यादा मस्त है। तो जल्दी से इसको यहाँ पर अभी सैडल से टेम करते हैं हम, तो जल्दी से अब इसको राइड करते हैं। और भाई आपने देखा यहाँ पर जो गेट है उसको क्लोज होने की एनिमेशन भी आ रही थी, वो भी यार काफ़ी ज़्यादा मस्त है। तो जल्दी से अब इसको चलाते हैं, और भाई यार कितनी ज़्यादा मस्त चल रही है, देख सकते हो इसकी स्पीड 154 किलोमीटर पर आवर है। तो भाई ये देख सकते हो माइनक्राफ्ट में इससे ज़्यादा तेज और कोई भी चीज़ चलती नहीं है वैसे भी। तो भाई यार यार कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है ना, देख सकते हो पूरा पूरा जावा एडिशन वाला मॉड यहाँ पर देखने को लग रहा है हमें। तो भाई सबसे ज़्यादा मज़ा तो यार मेरे को इसको रेस ट्रैक में भगाने में ही आ रहा है यार, कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है जो मैप है पूरा का पूरा और जो मॉड है। भाई जो भी इस मॉड का क्रिएटर है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मस्त मॉड बनाया, तो भाई आप भी यार जरूर से जाकर इसको डाउनलोड करना ताकि भाई उनको सपोर्ट मिल सके। तो यार देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त है। तो चलो भाई अब ये वाली कार हो चुकी है, तो यहाँ से निकलते हैं बाहर, और अब जो अपनी बाकी कार इनको यहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो भाई ये वाली कार आ चुकी है, तो इसको मैं जल्दी से यहाँ पर टेम कर लेता हूँ, और फिर इसमें मेरे को फ्यूल भरना है, और फिर इसके बाद मैं इसमें जो टेस्ट है वो अटैच कर दूंगा। ओके यार, तो ये देख सकते हो मैंने इसको भी यहाँ पर टेम कर लिया, और भाई ये भी कितनी ज़्यादा मस्त है, मतलब इस मॉड में जितनी भी कार्स हैं उनकी एनिमेशन और यहाँ पर स्पीड कितनी ज़्यादा मस्त है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे को इसकी स्पीड भी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर इसकी ड्यूरेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है, और साथ साथ यहाँ पर ये भी देखने को मिल जाता है कि इसमें गैस कितनी बाकी है। तो भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा इसमें मस्त फीचर मेरे को लगता है। तो भाई ये भी हो गई हमारी बाकी नॉर्मल कार, अब यहाँ पर जो अपनी बाइक है उनको टेस्ट करके देखते हैं। तो अपनी जो बाइक है इसको मैंने स्पॉन कर दिया, ये वाली बाइक मेरे को इतनी अच्छी नहीं लग रही, मैं ये वाली बाइक चलाता हूँ यार, ये मेरे को थोड़ा ऐसे बुलेट वाली फील दे रही थी, पता नहीं भाई आपको कैसी लग रही हो, पर यार मेरे को अच्छी लग रही थी। तो जल्दी से इसको मैं यहाँ पे टेम कर देता हूँ। गाइस तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो अपनी बाइक है उसको भी टेम कर लिया, और भाई इसकी स्पीड यार कितनी ज़्यादा तेज़ है, इसकी स्पीड मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा तेज़ है 187 किलोमीटर की यार, मैंने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया था। और भाई यार देख सकते हो कितनी ज़्यादा तेज़ स्पीड है, और भाई देख सकते हो हमारा जो प्लेयर है वो बाइक पर बैठा किस तरीके से है, मतलब पूरा पूरा वैसे ही बैठा है जैसे मतलब रियलिटी में बैठा जाता है। तो जल्दी से मैं इसको यहाँ पर चलाता हूँ, और भाई इसकी जो स्पीड है मतलब दाद देनी पड़ेगी जो भी इस मॉडल का क्रिएटर है, भाई सही में बहुत मस्त काम किया उसने, देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर आप इसको अपनी नॉर्मल वर्ल्ड में ट्राई करोगे तो भाई ये सबसे ज़्यादा मस्त चीज़ है, बस मेरे को उसका डाउन साइड ये लग रहा है कि अगर हम इनको क्राफ्ट कर पाते ना तो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि भाई क्राफ्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, उससे क्या होता है सर्वाइवल में भी जो एड ऑन है वो फ्रेंडली हो जाते हैं, मतलब सर्वाइवल में हम इनको आराम से खेल सकते हैं। ओके यार, बस हमारे पास अब ज़्यादा कार्स बची नहीं है, तो बस ये वाली कार बची है, वैसे मतलब बाकी जो कार्स है ना बिल्कुल इन्हीं की तरह सेम है। तो उसको मैं जल्दी से यहाँ पर टेम कर लेता हूँ, और फिर इसके ऊपर यहाँ पर कोल मतलब जो इसमें जो ऑयल है वो भर देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर जो चेस्ट है इसको अटैच कर देता हूँ, और जल्दी से अब इसको राइड करते हैं। और भाई जो गेट का क्लोजिंग एनिमेशन है बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है, तो भाई ये कार भी बिल्कुल वैसी की तरह चल रही है, और भाई यहाँ पर सही में बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है मेरे को। और देखते हैं भाई और हमारे पास कोई ना कोई कार बची है या नहीं। जी नहीं गाइस, और हमारे पास और कोई मतलब अलग सी कार बची नहीं है, मतलब सारी सारी जो कार थी वो यही थी, ठीक है। और बस मेरे को ये वाली कार लग रही है, इसको मैं एक बार टेस्ट करके देखता हूँ यार, शेरवुलेट इसका नाम है। तो उसके यहाँ पर जल्दी स्पॉन करते हैं, और भाई यहाँ पर राइड करते हैं। अरे यार इसमें तो मैंने फ्यूल भरा ही नहीं, तो इसको टेम कर देता हूँ यहाँ पर, फ्यूल भी भर दिया, और यहाँ पर चेस्ट भी जो है अटैच कर दी। तो जल्दी से अब इसको चलाते हैं, और भाई ये भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा मस्त चल रही है, इसकी स्पीड है 159 किलोमीटर पर आर, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त है। तो आप देख सकते हो जैसे हम इसको चलाते हैं ना, यहाँ पर हमको यहाँ पर स्पीड 3 का ऑप्शन भी मिल जाता है, और जैसे रोकोगे तो यहाँ पर हमें स्लोनेस का ऑप्शन वो जो इफेक्ट है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जी हाँ गाइस, यही थी हमारी सारी की सारी कार्स, और मेरे को पता है भाई आज की वीडियो काफ़ी छोटी थी यार, तो उसके लिए सॉरी यार, मेरे को और कोई अच्छा मॉड मिल नहीं रहा था यार, मेरे को बस यही मॉड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यार इसमें काफ़ी सारे जो इसके जो कार्स के टेक्स्चर है काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक थे, इसलिए मैंने आपको इस मॉड के बारे में बताया। अगर आपने कहीं और भी देख लिया हो तो भाई काफ़ी अच्छी बात है, पर फिर भी यार मेरा आपको फर्ज बनता है बताना कि भाई ये भी मॉड एग्जिस्ट करता है, और भाई कितना ज़्यादा मस्त है यार, खासकर पॉकेट एडिशन के लिए जिसमें मॉड्स की इतनी मतलब लिमिटेशंस होती है जावा एडिशन के मुकाबले, और भाई ये मॉड उस चीज़ को बिल्कुल ही मतलब हटा देता है, मतलब इसमें इतनी सारी आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है जो कार्ड्स हैं, बस अगर आप इनको क्राफ्ट और कर सकते हैं ना तो भाई बहुत एपिक ही हो जाता है एकदम मॉड। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने आपको सारी सारी चीज़ें बता दी, और भाई ये जो कार का टेक्स्चर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्कवरी, यार सही में कितनी ज़्यादा मस्त यहाँ पर जो डिटेलिंग है यार, अटेंशन टू डिटेल दो यार, कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, ठीक है। तो गाइस आशा करता हूँ यार आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो यार इस वीडियो को लाइक मेरा करो 400 लाइक, आशा करता हूँ कि आप लोग कंप्लीट कर दोगे, तो यार जल्दी से कंप्लीट कर देना, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।